हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको आलू दम की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने वो सारे सीक्रेट और सारे इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी कि मैंने ये रेसिपी किस तरह से बनाई और किस तरह से आप बना सकते हैं ढाबे स्टाइल अपने घर पे ही, और बना के आप ढाबे स्टाइल से अपने अच्छे अच्छे मेहमानों को, रिश्तेदारों को, सबको खिला सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पर लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए, तो मैंने यहाँ पहले से बॉयल करके अच्छे से और ले लिया था आलू, और वहाँ से छोटे पीस में से मैंने काट लिया है। और आप देख रहे होंगे प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ लिया है मैंने। देखिए, यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे तेल गरम हो रही है, तब तक हमारा तेल गरम हो रहा है जब तक आप जो इंग्रेडिएंट है, जो प्याज लहसुन है, सब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े साइज आलू हैं जो इनको मैं कट कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप बड़े बड़े आलू लीजिए और इनको अच्छे से बॉयल कीजिएगा। बॉयल करने के बाद इनको हाफ हाफ कट कर लीजिए, इनके छिलके उतार लीजिएगा उसके बाद। और यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपको चाकू से कट करना है, और इसी तरीके से कट करके आपको सारे आलू को मैंने यहाँ पे देखिए छोटे पीसेस में काट रही हूँ। तो गाइस, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसे कट कर लीजिए, और उसी तरीके से आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी इस तरह से मैं कट कर रही हूँ बड़े बड़े साइज़ में, उस तरह से आप भी कट करिए, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कट कर लिए सारे आलू को, और अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँगी जिससे हमारा ये अच्छे से आलू फ्राई हो जाएगा। गाइस, आलू फ्राई करने से क्या होता है कि ये हमारे खाने को और स्वादिष्ट और लाजवाब बना देता है। इस तरीके से जो ट्राई करिएगा, आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मस्त फ्लेवर लगेगा, और आप बार बार ये बनाएंगे और खाएंगे अच्छे से। देखिए, यहाँ पे मैं आलू फ्राई करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से गाइस आपको भी कर लेना है। और हेलो गाइस, तो आप बिना आलू वाले भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत ही लाजवाब बनती है। बिना आलू आप क्या कर सकते हैं कि आलू को छील के उसके बाद उसमें से छोटे छोटे छेद करके उसे अच्छे से तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो गाइस, मेरे यहाँ पे सब इस तरीके से खाते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरीके से पहले आलू को बॉयल करके उसके बाद कट करके उसके बाद मैं इसको बना रही हूँ। जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं, और इस तरीके से बहुत अच्छा बनेगा और बहुत मज़ेदार बनता है इस तरीके बनाएं। तो गाइस, आप बहुत तरीका होता है जब आलू बनाने का, तो इस तरीके की रेसिपी बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो गाइस देखिए, एक कढ़ाई मैंने कर लिया है, और फिर थोड़ा तेल डाल के इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया है, और थोड़ा जीरा अच्छे से लाल हो रहा है। जब तक हम क्या करते हैं, इसमें देख रहे हो कि बड़ी इलायची, दालचीनी है, तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, तो ये सब भी हम इसको अच्छे से कूट लेंगे थोड़ा सा, जिससे हमारे सब्ज़ी में स्वाद आए, थोड़ा अच्छा बना है, जिससे आप खाने में भी बहुत अच्छा लगे, स्वाद भी आए। यहाँ पे हमारा जीरा अच्छे से हो गया है पूरा, देख सकते हैं। और मैं इसे सारे खड़े मसाले इसमें डाल दिया है मैंने, तो खड़े मसाले होने के बाद इसको फटाफट से भूज लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया। मैंने आज इस पर कम रखा था, और अब आप क्या कर सकते हैं, इससे देखिए यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक, ये सब प्याज व्याज काट रखा है मैंने, तो आप इसको अच्छे से छोटे पीसेस में काट सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से कट कर लें, और इसे अच्छे से भून लें जब तक ये हमारा सॉफ्ट और अच्छे से लाल लाल ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको भी भूनना है, और इस तरीके से करिए, और ये बहुत ही अच्छे से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मैं। इसी तरीके से आपको ही फ्राई करना है, और इसी तरीके से करके यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अच्छा से ब्राउन ब्राउन भी हो गया है, और थोड़ा प्याज हल्के हल्के जो भूरे भूरे ब्राउन से हो गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारा हो चुका है। और अच्छे से इस तरीके से आपको भी करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे देखिए सूखे मसाले मतलब पीसे मसाले का यूज़ करूँगी, आप चाहे तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और ले लिया है इसको डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि आप हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ये सब डालकर इसको अच्छे से इसी टाइम डालकर अच्छे से भून लीजिए। इससे से क्या होता है कि हमारे मसाले जो है वो कच्चे नहीं रहेंगे, अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप पानी डालिएगा, तो इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो दिख रहेगा इस तरीके से आपको मिलाना है। इस तरीके से बनने करने से क्या होता है कि हमारे जो मसाले हैं वो कच्चे कच्चे नहीं रहेंगे, अच्छे से भून जाएंगे तेल में, इसलिए मैंने पहले पानी डाला था। इस तरीके से आप यहाँ पे कर लेना, देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। इस तरीके से हमारे मसाले जो है वो स्वाद भी अच्छा आता है। अब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पे देखिए आलू जो मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था तेल में, उसे मैं अब इसमें मसाले में डाल दूँगी, और डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सिंपल रेसिपी, और जो हमारे घर में सबके घरों में जो होता है उसी से बनाया है मैंने ये। तो गाइस, ये सबके घरों में हमें मिल जाता है आराम से आलू वगैरह, तेज़ पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर,
प्याज सबके घर में होता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास और कुछ है भी नहीं, फिर भी आप इस सिंपल तरीके से आराम से और अच्छे से बना सकते हैं। इस तरीके का बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे थोड़ी देर के लिए इसे ढक दीजिए, और ढकने के बाद फिर देखिए, आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट और कितना अच्छा दिख रहा है हमारा ये सब्जी, या इसे आलू दम की रेसिपी कहते हैं। और ये बहुत ही, इसमें और भी इंग्रीडियंट डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, तो मेरे घर में ज़्यादा कुछ दही वाले कुछ डालते खाते नहीं है, इसलिए मैंने ये सिंपल तरीके से ही बनाया है। आप चाहे तो इसको मसालों के पहले पीस कर उसके बाद उसमें दही वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे कि आलू दम और भी अच्छा बनता है। इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से बनाइए। तो मेरे घर में तो सब सूखे खाएंगे, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे इतने ही पर रहने दूँगी। तो इस तरीके से बनाइए गाइस, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए, सर्व करके ऐसे लग रहा है ना कि मुँह में पानी आ जाएगा सब्जी को देखकर, इतना स्वादिष्ट और कितना अच्छा दिख रहा है मेरे। तो गाइस, आपको हमारे वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा।